हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर डे के। आज हम आपके लेकर आए मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ते चलिए, क्योंकि ये इतने सिलेक्टेड टॉपिक हैं, आपको एग्ज़ाम में श्योरिटी देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कि साइंस सबसे अच्छा रोल निभाने वाली है। 10 से 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली साइंस से आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट आता है बायोलॉजी। ठीक है, अगर आपने बायो पर अच्छे से ध्यान दिया है तो आपके क्वेश्चन कई सारे वापस से मिल जाएंगे। तो बायो को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट करके तुरंत अब आपको नेक्स्ट जो होंगे केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन जो पूछे थे उनको भी कवर कर देंगे। इसके बाद हम जो है रेलवे के अदर टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीकी से समझते चलिए और सभी जो है टॉपिक को आप आराम से पढ़ते रहिए। बस आपको करना है क्या कि हमारे साथ बने रहना है। दूसरी बात क्या है कि आपके रिस्पॉन्स पर हमें वीडियो क्रिएट करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे रिस्पॉन्स करेंगे तो हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि भाई हम मेहनत करें तो हमें दिखना भी तो चाहिए ना कि आपके रिस्पांस क्या है। रिस्पांस अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रिस्पांस आपको अच्छे करिए। मैं आपको इतने सिलेक्टेड टॉपिक दे दूंगा कि आपको एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर ले जाएंगे आप। ठीक है, चाहे आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या अदरवाइज JEE है या जितने भी रेलवे के पद हैं उसमें आपको या फिर रेलवे के जितने भी पद हैं वो आपको अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो बस आप लोग लगे रहिए। ठीक है, और सभी सिलेक्टेड टॉपिक हैं। याद रखिए कि ऐसे टॉपिक आपको मोस्टली तो कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते क्या है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है और इसका जो है उपनाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है पीयूष ग्रंथि की। तो देखिए, हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डीपली बताता चलूँगा, हमारे पर टाइम है भी थोड़ा और हम बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी कराने के मूड में भी हैं। ठीक है, थीके? तो जैसे कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि माइंड में पाई जाने वाली ये ग्रंथि है। और इसका देखिए मैंने एक बात और क्वेश्चन में बोला कि उपनाम, उपनाम का मतलब क्या है कि इसको मोस्टली लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये आपकी ये पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और एक बात और याद रखने वाली है कि पीयूष ग्रंथि क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियों में से भी एक है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से सब पढ़कर चलने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथियों में प्रमुख अंतर क्या है। देखिए, मानव के शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो आप ये याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सिर्फ दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक होती है आपकी अंतःस्रावी और एक होती है बहिःस्रावी। अब देखिए, इनको कैसे डिवाइड क्यों करते हैं अंतःस्रावी और बहिःस्रावी को। देखिए, सिंपल सा एक रीज़न है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या है, यह जो ग्रंथियाँ हैं नलिका विहीन होती हैं, और यहाँ पर बहिःस्रावी में क्या लिखा है, यह ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं। देखिए, नलिका मतलब क्या, देखिए बहिःस्रावी ग्रंथियों को अगर आप नहीं जानते तो याद रखिएगा कि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें जो है जितने भी हार्मोन्स बनते हैं उनको शरीर में पहुंचाने के लिए वेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नलिका बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, वेन्स नहीं पाई जाती। इनमें जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल अंतर है, बस आपको याद करके चलना है क्या कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं उस ग्रंथि का नाम बताइए जो बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों का कार्य करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जैसे जो क्या है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों का कार्य करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों का कार्य करने वाली कौन सी ग्रंथि है, वो है आपकी अग्नाशय। इसी को हम बोलते हैं क्या है, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, इनसे स्रावित जो है प्रमुख हार्मोन्स कौन से हैं। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं कि लैंगरहैंस के द्वीप जो है ये पाए जाते हैं अग्नाशय के अंदर और इनमें इन पर उपस्थित होती हैं बीटा कोशिकाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंसुलिन हार्मोन कहाँ पर बनते हैं, तो याद रखिएगा बीटा कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होते हैं। ठीक है, तो जो लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं कहाँ पर, हमने आपको बता दिया अग्नाशय में पाए जाते हैं, और ये किस सेल्स पर उपस्थित होते हैं, बीटा कोशिकाओं पर उपस्थित होते हैं, और इनमें क्या है, इंसुलिन हार्मोन बनता है। ठीक है, स्रावित होता है यहाँ पर
इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़कर चलेंगे तो आराम से एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ रहा था डायरेक्टली कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है या मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा कि यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो यकृत है आपका ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत को ही लीवर बोलते हैं, ठीक है। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, ये मैं आपको पहले ऊपर ही बता चुका हूँ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे व्यस्त ग्रंथि कौन सी है यानी सबसे ज़्यादा वर्क कौन सी ग्रंथि करती है, तो वहाँ पर भी आपका आंसर होगा यकृत, ठीक है। मानव शरीर की सबसे व्यस्त ग्रंथियों में से एक है आपका यकृत, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं व्यस्त ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए मैंने भी आपको बोला ना ऊपर क्वेश्चन, तो देखिए अगर बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की तो वो भी कौन है, यकृत ही है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे बड़ा पार्ट होता है यकृत आपका, और ये सबसे व्यस्त ग्रंथियों में से भी एक है यानी ये हमेशा काम करती रहती है 24 घंटे, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो काम करती ही रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण बताइए, ठीक है, एग्जाम्पल बताना है आपको यहाँ पर। देखिए तो अब बात हम लोग क्या करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, देखिए थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। फिर यकृत, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि और अग्नाशय, तो ये क्या है, ये आपकी हैं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए लास्ट वाला मैं एक दोनों से कॉमन है अग्नाशय, तो मैंने अभी आपको बताया था ना ये मिश्रित ग्रंथि है, तो ये दोनों ही का काम करती है, तो इनको हम दोनों में ही रखेंगे, बाकी सारी ग्रंथियाँ देखिए आपकी अलग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ के चलेंगे आप लोग तो ही आप लोग आराम से क्रैक करेंगे एग्जाम, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी है, पीयूष ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी है, एड्रिनल ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी है, यकृत क्या है, बहिःस्रावी है, लार ग्रंथियाँ क्या हैं आपकी बहिःस्रावी हैं, स्वेद ग्रंथि क्या है आपकी बहिःस्रावी हैं, लेकिन अग्नाशय जो है वो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखकर चलना है। फिर बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तो इसको पूछा रहे कहाँ पाई जाती है, तो देखिए किडनी के ऊपर, अगर किडनी की हम अगर बात करें तो उसका आकार कैसा होता है, लुक लाइक जो होता है कि सेम के बीच के आकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसे उठी हुई संरचना होती है, ये कैसी होती है, ऐसी उठी हुई संरचना होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, सिंपल सी बात है, कहाँ है किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। फिर बोलते हैं लड़ो एवं मरो हार्मोन्स कहाँ स्रावित होते हैं, देखिए इन हार्मोन्स को ऐसा क्यों बोलते हैं लड़ो और मरो हार्मोन्स, देखिए जब हम किसी कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जब हमें बहुत भय लग रहा होता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन बन रहा होता है कि जो उस भय को कम करने का काम करता है, ठीक है, या तो फिर हमें उस तरह की ताकत प्रदान करता है कि ये काम तो भाई हमको करना है, ठीक है। आपने कभी भी ऐसी सिचुएशन आ पाते हो तो आपको अंदर एक डर और भय भी होता है और एक ताकत भी अंदर से मिल रही होती है, तो ये एक हार्मोन का जो एक इफेक्ट है ये। तो ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये आपका होता है एड्रिनल ग्रंथि से, जिसको मैंने भी बताया ना अधिवृक्क ग्रंथि, ये वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उनमें से ये स्रावित होते हैं। और यार कि अगर ग्रुप डी में तो ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये सब याद करके चलने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं थायराइड ग्रंथि मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है, तो आपको याद रखना है कि जो थायराइड ग्रंथि है जो आपकी कहाँ पर गर्दन के अंदर स्थित होती है, ठीक है। फिर बोल कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि जो है अंग्रेजी के किस अक्षर के भांति होती है यानी जो इसका लुक लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखिए गर्दन है तो गर्दन की ये देखिए दोनों तरफ यूँ और ये फिर यूँ, ठीक है, इस तरह से ग्रंथि बनती है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं एच आकार की ग्रंथि, क्योंकि अंग्रेजी के अल्फाबेट किससे एच से मिलती है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा उनके स्थान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो लगभग मैं आपको जो भी ग्रंथियों को आपको कंफर्म करता जा रहा हूँ। फिर जैसे कि थायराइड ग्रंथि मैंने भी आपको बताया ना गर्दन में, तो ये तो गर्दन में पाई जाती है। फिर पैराथायराइड ग्रंथि क्या है, गर्दन का अधर भाग क्या है, मानी ये गर्दन के जस्ट पीछे पाई जाती है, ठीक है, तो ये गर्दन के अधर भाग में पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। फिर क्या है थायमस ग्रंथि जो है वक्ष क्या होता है मैं बता दूँ आपको, जो फेफड़े की जो बीच वाली जगह होती है, ठीक है, हमारा ये फेफड़े हैं, ठीक है, ये दोनों तरफ, तो जो बीच वाली जगह इन्हें वक्ष बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये उपस्थित होती है, तो ठीक है थायमस ग्रंथि कहाँ पर वक्ष में उपस्थित होती है। फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि पेनियल का है, तो ये कहाँ पर होती है, ये मस्तिष्क में होती है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा
कुछ 3 से 4 क्लास हो जाए, फिर सारे के एक साथ मैं PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं वृषण एवं अंडाशय किस प्रकार की व्यवधियाओं के उदाहरण है, ठीक है। थोड़ी ये आपका होगा ग्रंथियों के, ठीक है। तो क्या है वृषण एवं अंडाशय किस प्रकार की ग्रंथियों के उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो वृषण एवं अंडाशय में कैसे हार्मोन्स मोस्टली जो स्रावित होते हैं वो सेक्स हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं स्त्रियों में स्त्रियों जैसे और पुरुषों में पुरुषों जैसे कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन क्या है कि ये होगा वृद्धि, हाँ ठीक है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। जो हमारे शरीर का जो आकार किसके कारण बढ़ता है वो वृद्धि हार्मोन के कारण बढ़ता है, तो ये जो स्रावित होते हैं कहाँ से होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगर बचपन में किसी की पीयूष ग्रंथि वीक है तो वो इंसान नाटा भी रह जा सकता है, और अगर अनियमित है तो इंसान बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है HMTS उदाहरण किसके हैं, तो याद रखिएगा ये वृद्धि हार्मोन्स के उदाहरण है। अगर आपसे ऐसे लिखकर आ जाए कि MTS क्या है या फिर TSH क्या है या फिर FSH क्या है या फिर STH क्या है, तो याद रखिएगा ये वृद्धि हार्मोन्स के टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से विकृत होने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन की कमी से विकृत हो जाती है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या लोडिंग कोशिकाएँ किस स्थान पर मिलती हैं, तो याद रखिएगा वृषण में मिलती हैं लोडिंग कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सिर्फ महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, IMP क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं सिर्फ महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, और ये क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो है प्रोजेस्टेरोन एंड एंस्ट्रोम जो है ये सिर्फ महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, ठीक है। अगर हार्मोन्स वाला देखिए एक वीडियो से पहले मैंने जो वीडियो डाला था मैं उसका जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है, ठीक है। फिर क्या है वैसोप्रोपिन्स एवं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित कहाँ से होते हैं, पीयूष ग्रंथि से ये स्रावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन की प्रकृति जो है क्या होती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन की जो है प्रकृति क्या होती है, तो याद रखिएगा ये तो स्ट्राइड्स होंगे या तो फिर प्रोटीन्स के व्युत्पन्न होंगे, व्युत्पन्न मतलब क्या होता है यानी प्रोटीन के बिल्कुल अपोजिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रोगों किस ग्रंथियों के संबंध बताइए, ठीक है। तो ये रोग हैं और उनसे संबंधित ग्रंथियां हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। साधारण घेंगा कहाँ पर होता है, थायराइड ग्रंथि की अनियमित होने पर होता है। एडिनसन रोग जो होता है ये कहाँ पर होता है, एडिनल ग्रंथि के अनियमित होने पर होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया जो रोग है ये अग्न्याशय ग्रंथि के जो है अनियमित होने पर होता है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिएगा थॉमस एडिशन को बोला जाता है अंतःस्रावी विज्ञान का जनक, क्योंकि इन्होंने ही जो ग्रंथियों को बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एडिनल ग्रंथि को समझाने का सही प्रयास किसने किया, तो देखिएगा ये भी किया है थॉमस एडिशन जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शरीर में फॉस्फेट तथा कैल्शियम आयनों की सांद्रता का निगमन कौन करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर कितने फॉस्फेट होने चाहिए कितने कैल्शियम होने चाहिए, इनका जो वर्क है ये कौन कंप्लीट करता है, तो क्या पैराथायराइड ग्रंथि ये काम करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हृदय स्पंदन की दर का निगमन कौन करती है, तो यार क्या थायराइड ग्रंथि जो है हमारे शरीर की हृदय स्पंदन की दर को करेक्ट करती रखी है, ठीक है। तो ये थे देखिए ग्रंथियों संबंधी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चंस, तो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और ये समझ लीजिए कि ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से रेलवे एग्जाम क्रैक करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।